हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, रो एक्लिन फॉर्म क्या है, रो रिड्यूस एक्लिन फॉर्म क्या है, और मैंने आप लोगों को कॉलन एक्लिन फॉर्म्स खुद से पढ़ने के लिए दी थी। उसके बाद दो डेफिनेशंस और बच गई थी, रो रैंक एंड कॉलन रैंक। और अगर रैंक की बात करें तो रैंक क्या होती है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने रैंक फाइंड की है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स की रो एक्लिन फॉर्म फाइंड कर ली है, उसके बाद हमें रैंक का कैसे पता लगता है कि रैंक कितनी होगी, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एक्लिन फॉर्म इज इक्वल्स टू, एक्लिन फॉर्म का मीनिंग है चाहे रो एक्लिन फॉर्म हो या कॉलन एक्लिन फॉर्म हो, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो रो एक्लिन फॉर्म या कॉलन एक्लिन फॉर्म में जितने भी नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम्स होंगे उनका जितना नंबर होगा दैट नंबर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट अबाउट रो रैंक एंड कॉलन रैंक। रो रैंक क्या है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ रो एक्लिन फॉर्म इज कॉल्ड रो रैंक एंड इज डिनोटेड बाय रो आर ऑफ ए। एंड कॉलन रैंक, कॉलन रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन द कॉलन एक्लिन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय रो सी ऑफ ए। अब बेसिकली रो रैंक और कॉलम रैंक की वैल्यू सेम ही आती है, चाहे आप रो रैंक निकालो या कॉलम रैंक निकालो, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। सो क्वेश्चन नंबर वन इज रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स ए टू रो एक्लिन फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रो रैंक ऑफ ए। तो उसको रो एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रो एक्लिन फॉर्म में फर्स्ट थिंग क्या होती है कि जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली लीडिंग एंट्री है दैट इज़ वन, तो ये तो ओके है। वन के नीचे सारी जीरोज होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे ये तीन जगह ज़ीरो फॉर्म करना है। तो इन तीन जगह को ज़ीरो फॉर्म करने के लिए हमें क्या ऑपरेशंस लगाने होंगे, आर टू में ऑपरेशन लगाना होगा, आर थ्री में लगाना होगा और आर फोर में लगाना होगा। और किसकी हेल्प से हम ज़ीरो बनाएंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से, इस लीडिंग एंट्री की हेल्प से इन तीन टर्म्स को ज़ीरो बनाना है। तो ये माइनस टू है, अगर मैं फर्स्ट रो को टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। सो हमें क्या करना है, आर वन प्लस सॉरी आर टू प्लस टू आर वन, ऐसे थर्ड में हमें बस थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज आर थ्री प्लस थ्री आर वन, और आर फोर के लिए देखो अगर तो ये भी वन है ये भी वन है, हमें यहाँ ज़ीरो चाहिए, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो आर फोर माइनस आर वन। अब ये तीनों ऑपरेशंस लगाने मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, तो ये तीनों ऑपरेशंस यहाँ ऑपरेट करो, और ऑपरेट करने के बाद ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं देखो, सेम ऑपरेशंस लगाएं जो मैंने बोले हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इतने में रिड्यूस हो गई, मीन्स इस वन के नीचे ज़ीरो 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 बन गया। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो नीचे वाली रो है उसके पास नंबर ऑफ नॉन सॉरी ज़ीरो जो है वो लीडिंग एंट्री से पहले वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कितनी भी नहीं है, और इसमें कितनी जीरोज़ हैं, एक ज़ीरो है। तो चलो इससे ज़्यादा तो हो गया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और यहाँ ये जो वन है ये भी ठीक है, लीडिंग एंट्री वन है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, इस वन के नीचे वाली ये जो टर्म्स हैं ये ज़ीरो होनी चाहिए, तो इनको ज़ीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस लीडिंग एंट्री। इस वन की हेल्प से यहाँ और यहाँ ज़ीरो बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, पहले इसको टू से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, ऐसे बनेगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो। और आर फोर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी वन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ ये हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तो वो टू प्लस टू फोर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, देखो नीचे वाली दोनों जो रोज़ बनी है वो दोनों की दोनों ज़ीरो ही बन गई। तो हमें इससे आगे तो लीडिंग एंट्री मिली नहीं जो उसके नीचे ज़ीरो बनाएंगे, तो ये क्या है, ये कॉलन एक्लन सॉरी रो एक्लन फॉर्म मिल गई हमें, डन। और इसकी रैंक क्या है, जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, टू। सो रैंक रो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ टू। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसको भी रो एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं ओवरऑल नहीं बता रही बट क्या क्या करना है वो बताते हैं। देखो
यहाँ पे ये क्या है, टू, ठीक है। इसके नीचे वाली पहले ज़ीरो बना रहे हैं, बाद में ना इस टू को डिवाइड कर देंगे। आप पहले करना चाहो पहले कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन है कि आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अभी जैसे बुक में क्या हुआ मैं वो बता रही हूँ, यहाँ पे टू था, टू के नीचे ज़ीरो है, टू है, टू है, तो पहले ये वाले टूज़ को, क्योंकि हमें बाद में भी तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर यहाँ वन बना देते हैं तो फिर भी टू से मल्टीप्लाई कर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे बेटर है पहले सब्ट्रैक्ट कर लें और एट द एंड ये पहले वाली रो को टू से डिवाइड कर देंगे तो वो वन बन जाएगा। तो हमने क्या किया, आर थ्री में से आर वन माइनस किया और आर फोर में से भी आर वन माइनस किया, तो ये हमें मैट्रिक्स आई, ठीक है। टू में से टू गया जीरो और ये टू में से टू गया जीरो, इस टाइप से आ गए। ये वाली एंट्रीज भी आपको माइनस कर लेनी है तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ तक तो जीरोज बन गई, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। अब यहाँ पे है थ्री फिर फोर, अब ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है, थ्री फोर वन, ये क्या है, सिक्स एट टू, ये इसका डबल है। अगर इस रो को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही बन जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक पूरी की पूरी रो ज़ीरो वाली आ गई, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो जीरो 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 वाली आ गई, तो हमारा काम रिड्यूस हो गया। अब देखो यहाँ है थ्री, यहाँ है फोर, तो अभी हमें एक तो यहाँ पे भी वन बनाना है, वो काम हमारा बचा हुआ है। अभी यहाँ पे भी वन चाहिए और इसके नीचे ज़ीरो चाहिए, तो देखो पहले फोर को अगर मैं ज़ीरो बनाना चाहूँ तो किस टाइप से बना सकते हैं, थ्री की हेल्प से ज़ीरो बनाना है। तो जैसे इक्वेशंस अगर सॉल्व करनी होती थी, एक का कोफिशिएंट 3x होता था और एक का 4x होता था, तो हम क्या बोलते थे, थ्री वाले को फोर से मल्टीप्लाई और फोर वाले को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, ठीक है। तो जिस रो में थ्री है उसको फोर से मल्टीप्लाई किया, तो आर टू को क्या चेंज किया, फोर आर टू, और R3, R3 में 4 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो गया, दोनों 12 12 बन गए। अब जब दोनों 12 12 बन गए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया है, R3 माइनस R2, तो ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। अब सिर्फ दो चीज़ें बची हैं, हाँ तीन चीज़ें बची हैं, नॉट दो चीज़ें। लीडिंग एंट्रीज कौन कौन है यहाँ पे, ये 2 है, ये 12 है, ये माइनस 4 है, और ये लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, यूनिटी 1 होना चाहिए। सो फर्स्ट वाली रो को 2 से डिवाइड, सेकेंड वाली रो को 12 से डिवाइड और थर्ड वाली रो को माइनस 4 से डिवाइड। ये तीन ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ 1 1 1 बन जाएगा और ये 1 1 1 आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स कितने हैं, या नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, रो एक्लन फॉर्म है तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज काउंट कर लो, तो कितनी है, 3, क्योंकि ये फोर्थ वाली तो पूरी की पूरी ज़ीरो है, सो इसकी रैंक कितनी आ गई, 3। अब एक मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ रो रिड्यूस्ड का, ठीक है। तो रो रिड्यूस्ड के लिए पहले आपको रो एक्लन फॉर्म तक जाना है, फिर उसके बाद रो रिड्यूस्ड की साइड मूव करेंगे। सो ये जो मैट्रिक्स है, देखो जो रो पूरी की पूरी ज़ीरो होती है ना, उसको तो टच करने की नीड ही नहीं है, ये कॉलन पूरा का पूरा ज़ीरो है, इसको मत छेड़ो। जो भी रो या जो भी कॉलन पूरा का पूरा ज़ीरो है, उसको कुछ मत करो, उसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ देखो आगे 1 1 2 4, तो हमें क्या करना है, इस वन की हेल्प से ये वाले वन को ज़ीरो बनाना है, ये वाले टू को ज़ीरो बनाना है और ये वाले फोर को ज़ीरो बनाना है। यहाँ पे ज़ीरो 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 होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ माइनस कर दे तो काम हो जाएगा। सो आर टू माइनस आर वन कर दिया, टू को ज़ीरो बनाने के लिए आर टू माइनस टू आर वन करना पड़ेगा, आर थ्री माइनस टू आर वन, और फोर को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर फोर माइनस फोर आर वन, फोर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो डन, अब ये ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई कर दिए। जैसे ही आप लोगों ने ऑपरेशंस लगाए ना, ये मैट्रिक्स इधर तो 0 0 0 थी, ये और ये पूरा का पूरा 0 0 0 बन गया। तो एक लीडिंग एंट्री 1 हो गई, ठीक है, दूसरी में 0 ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, पहले में 1 0 थी, सेकेंड वाली में 3 0 हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई, लीडिंग एंट्री 1 है, ये भी ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, और नेक्स्ट स्टेप इज कि हम क्या करें, इस 3 को और इस 2 को
ज़ीरो बनाएं, ठीक है। और क्योंकि हमें रो रिड्यूस्ड बनानी है, तो रो रिड्यूस्ड में उस जिस भी कॉलन या जिस भी रो में कौन है लीडिंग एंट्री, उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सब ज़ीरो होने चाहिए, तो ये लीडिंग एंट्री है, तो हमें ये 3, 2 और ये वाला 1 इसको भी ज़ीरो बनाना। तो यहाँ भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ भी ज़ीरो चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 है, 0 बन जाएगा। और इन दोनों के लिए इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो और इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। तो ये कर दिया, डन। अब देखो क्या क्या बन गया, लीडिंग एंट्री 1, ठीक है, यहाँ पे भी लीडिंग एंट्री 1, उसके बाद नेक्स्ट लीडिंग एंट्री 1, पर इस 1 के पास इसके कॉलम्स में और रोज में सब कुछ 0, 0, 0 होना चाहिए, तब ये रो रिड्यूस्ड बनेगी। तो मुझे क्या चाहिए, देखो ये तो लीडिंग एंट्री है इस रो के लिए, तो ये पूरा कॉलन और ये पूरी रो में सब यही होना चाहिए नॉन ज़ीरो। तो ये जो ऊपर वाले हैं 3, 2 और ये माइनस 1, ये सब 0, 0, 0 होने चाहिए। तो इनको 0 बनाने के लिए हमने क्या लगाए, ऑपरेशंस लगाए, ठीक है। तो ऑपरेशन लगा के ये देखो, ये सब ये 1 बचा, यहाँ 0, 0, 0 आ गया। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। और इसमें कितने नॉन ज़ीरो रोज हैं, 3, 1, 2, 1, 3, तो इसकी रैंक कितनी है, 3। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप रो रिड्यूस्ड फॉर्म बना रहे हैं तो लीडिंग एंट्री की रो और लीडिंग एंट्री के कॉलन में सिर्फ वो लीडिंग एंट्री ही होनी चाहिए 1, बाकी सब 0 होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपकी सेकेंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, कल हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। थैंक यू।